नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल घोड़ा के नशा पे। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, यह किसी घोड़े की चाल की वीडियो या किसी रेस की वीडियो नहीं है। यह वीडियो है एक घोड़े के घरेलू नुस्खे से रख रखाव का, जो आप खुद से घोड़े को स्वस्थ और उसके पाँव को बेहतर बना सकते हैं कुछ घरेलू उपचार से। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, एक घोड़ा खुले मैदान में मिट्टी पे लौट रहा है। ऐसा करने से घोड़े के शरीर का दर्द खत्म होता रहता है, घोड़े के शरीर में कोई थकावट नहीं रहती है। जब घोड़े के शरीर में मिट्टी लगता है तो उसके शरीर में जो बदबूदार पसीना होता है वह मिट्टी सोख लेती है। इससे घोड़े का चमड़ा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कहीं भी खुजली नाम की बीमारी नहीं रहती है। आप देखते होंगे अक्सर कुछ घोड़े मालिक घोड़े को दौड़ाने के बाद सीधे उसे नाद पे बांध देते हैं। ऐसे करने से घोड़े का पांव जाम होने लगता है और यही कारण होता है आगे जाकर मुट्ठे मुत्रा और पैर में रस होने वाली बीमारियों का शुरुआत का कारण यही होता है। अगर आप घोड़े को खुले मैदान में रखते हैं दौड़ाने के बाद, तो घोड़े का पाँव धीरे धीरे ठंडा होता है और उसका नस फिर से अपने जगह पर चला आता है और कभी भी घोड़ा का पाँव जाम नहीं होता है। धन्यवाद। अगले भाग में हम और भी घरेलू नुस्खे लेकर आएंगे, जिसका उपयोग करके आप अपने घोड़े को एक बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं, उसके पाँव को एक बेहतर उपचार देकर और मजबूत रख सकते हैं। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, उसे सब्सक्राइब कर ले और आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें।